नाउ स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स में सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, है ना। माइनस मतलब घटाना, सब्ट्रैक्ट। इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑन ये मैंने आपको बताया दिस इज़ वन प्लेस एंड दिस इज टेंथ प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से वन प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, सेवन, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टू। हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जब तक कि ऊपर वाला नंबर ना आ जाए। जैसे कि यहाँ टू लिखा है, हम टू के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब आप अपने फिंगर्स काउंट कर लो कि कितने आ गए, वन टू थ्री फोर फाइव आ गया, ये आया हमारा फाइव। फिर हम लिख, यहाँ पर वन के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो इसको हम ज़ीरो मानेंगे। क्या मानेंगे, ज़ीरो। तो वन में से ज़ीरो जाएगा, किसी भी नंबर में से ज़ीरो जाएगा तो से वही नंबर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइव, फाइव में से फोर माइनस करना है। फोर के बाद से काउंटिंग करते जाएंगे और फिंगर निकालते जाएंगे, है ना। जैसे कि फोर के बाद फाइव, अरे केवल एक ही नंबर आया और हमारा फाइव आ गया, तो कितनी फिंगर है हमारे पास में, ओनली वन। वही चीज़ यहाँ पर वापस क्या है, किसी नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब वहाँ ज़ीरो होता है। वन में से ज़ीरो गया तो वन। आ जाए थर्ड क्वेश्चन पे, ऊपर लिखा हुआ है एट, नीचे है थ्री। अब थ्री के बाद से काउंटिंग बोलो जब तक कि एट ना आ जाए, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितने आए। अब इस फिंगर को काउंट कर लो, फाइव आ गया, ये आया फाइव। वापस से हमने क्या किया, वन के नीचे ज़ीरो लगा दिया क्योंकि देर इज़ नो डिजिट, है ना। तो वन में से ज़ीरो गया तो वन। ये तो हमारा सिंगल डिजिट का था, अब मैं आपको डबल डिजिट का एक बार बताती हूँ, है ना। ये है सेवन, सेवन में से थ्री माइनस करना है, तो हम थ्री के बाद से काउंटिंग फिंगर आउट करते रहेंगे जब तक कि सेवन ना आ जाए, फोर फाइव सिक्स सेवन। अब उन फिंगर को काउंट करो कितना आ गया, फोर, ठीक है। फिर इधर क्या है, ऊपर फाइव, फाइव में से टू माइनस करना है, तो टू के बाद से काउंटिंग करो जब तक फाइव ना आ जाए, थ्री फोर फाइव, कितना आ गया, थ्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करने हैं, है ना। तो डिवाइड के लिए अभी मैं आपको सम दूंगी, ये आपको करना है। देन हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि इनटू। आपको टेबल लर्न होने चाहिए इसके लिए। ये देखिए, फाइव इंटू फोर, फाइव का टेबल फोर बार बोलना है, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव इंटू नाइन, फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव। इसके लिए आपको टेबल याद करने हैं, एट इंटू नाइन, एट नाइन ज़ा सेवेंटी टू। इसी तरह से आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास को 15 तक टेबल लर्न करने हैं। कहाँ तक टेबल लर्न करने हैं, 15 तक आप लोगों को टेबल्स लर्न करने हैं। एक दिन के टू टेबल्स लर्न करेंगे तो भी आप 7 डेज में 15 तक टेबल इजी वे में लर्न कर पाएंगे। तो जब आप स्कूल आएंगे तब फर्स्ट और सेकंड क्लास को 15 तक टेबल लर्न होने कंपलसरी है, ठीक है। इस तरह से आपको करने मल्टीप्लाई। अब हम आ जाते हैं डिवाइड पे, है ना। डिवाइड कैसे करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2। जो छोटा नंबर है, बाद वाला नंबर है, उसका टेबल बोलना है पहले वाला नंबर जब तक आता है तब तक। टू के टेबल में एट कब आता है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, यानी कि आंसर क्या आया, फोर। इसी तरीके से हम करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 2। टू के टेबल में हमें देखना है 16 कब आता है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू एट ज़ा सिक्सटीन, एट टाइम्स, यानी आंसर इज एट। एक और बताती हूँ, 120 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 के टेबल में 120 कब आता है, 12 के टेबल में 120 आता है, 12 10 10 120, यानी आंसर इज 10। इस तरह से अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको सब करना है। क्लियर, थैंक यू।